गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल है आप लोग होंगे। दोस्तों अभी सुबह हो चुकी है, अभी हम जाएंगे कनक गार्डन और अभी बाहर पे धूप आई है बहुत अच्छी सी। दो दिन जयपुर में बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, जिससे हम लोगों को आप देख सकते हो कपड़े कितने ज़्यादा पहने हम लोगों ने। अभी एकदम अच्छी सी धूप आ चुकी है, आपको दिखाता हूँ मैं। और आज हम जा रहे हैं कनक गार्डन, मौसम साफ है। मैं और सर और राहुल जी हम जा रहे हैं आज कनक गार्डन, आपको एक बार बाहर की धूप दिखाता हूँ मैं। देख सकते हैं दोस्तों आज धूप कितनी मस्त आ रखी है, बाहर पे एकदम एक नंबर धूप आ रखी है। अभी जाएंगे हम कनक गार्डन, तो अभी हम देखते हैं सर क्या कर रहे हैं, सर के साथ एक बार जाते हैं और फिर हम कनक गार्डन के लिए जाने की प्लानिंग करते हैं। आज सर के साथ जाएंगे आज कनक गार्डन। सर तो अभी सो रहे हैं, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ आज हमारा प्लान है कनक गार्डन जाने का। तो गाइस रोज़ की तरह आज सर मुझे यहाँ पे सोए हुए मिले, सुबह के 7 बजे हैं लेकिन सर अभी भी सोए हैं। गुड मॉर्निंग सर, कनक गार्डन के लिए रेडी हो जाइए। गुड मॉर्निंग संजीव, चलिए सर कनक गार्डन चलते हैं। तो देखिए सर अभी भी सोए हुए हैं और हम लोग सारा काम वाम कंप्लीट करके। ये डेली मुझे सुबह परेशान करता है, सोने नहीं देता है। देखो दोस्तों इंसान है तभी इस दुनिया में रही नहीं, अगर हम किसी को उठाते हैं तो वो परेशान कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं कनक गार्डन की तरफ और राहुल की गाड़ी हमने मंगवा दी है, अब हम जस्ट निकलेंगे कनक गार्डन की तरफ। सर और मैं तैयार होके अब निकलेंगे कनक गार्डन। इतना बदमाश है मुझे उठा करके ही माना है। अभी हम लोग चाय पियेंगे, चाय पीने के बाद आलू फूल गोभी और मटर की सब्जी खाएंगे और फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे कनक गार्डन के लिए। और वैसे गाइस अभी राजस्थान में जबरदस्त ठंड पड़ रही है, जबरदस्त ठंड पड़ रही है। शाम को पारा इतना नीचे गिर जाता है और दिन में धूप हो जाती है, मतलब ये टेम्परेचर में मतलब एकदम बच के रहने का इस तरीके के सिचुएशन में। ये नहीं समझना है कि हाँ बाहर धूप निकल गई तो कम कपड़े पहन के निकल जाए, बिल्कुल नहीं करना ये चीज़। तो अभी हम लोग एक चाय के लिए आप ऑर्डर कर दीजिए। एक चाय के लिए ऑर्डर करता हूँ और सब्जी बनी हुई है बल किचन में और क्या कहते हैं सर के लिए गर्मा गर्म चाय अदरक डाल के फिर हम निकलते हैं कनक गार्डन की तरफ। ओके ला दो। ये अभी हम लोग कनक गार्डन पहुंच रहे हैं, ये भी एक टूरिस्ट स्पॉट है। इस तरफ पार्किंग हो गई, हम लोग गाड़ी पार्किंग लगा रहे हैं और अब हम लोग चलते हैं। मैं और मेरी टीम पहुंच गए अभी कनक बाग। लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अब आपको पूरा राजस्थान का टूर कराने वाले हैं, हमें फाइनेंस कर रहे हैं इंडियन टूर एंड ट्रेवल वाले इस्लाम जी। अभी हमने बहुत तीखा खा लिया है कुछ जिसे हम बोल नहीं पा रहे, पर अब हम लोग पहुँच चुके उस कनक गार्डन स्पॉट पे। अभी हम लोग थोड़ा सा कुछ और स्नैक्स लेंगे, बैठेंगे थोड़ी देर इस जगह पे और फिर उसके बाद हम लोग अंदर टिकट लेकर के एंट्रेंस करेंगे और आपको टिकट का प्राइस भी बताएंगे। उस वक्त हमको उधर इतनी गर्मी लग रही थी, बस ये नीम के पेड़ के नीचे आती है, आपको इतनी अच्छी ठंडी हवा लग रही है। नीम के पत्ते लेके क्या करेगा संजीव तू? काढ़ा बनाएगा। तू नीम के पत्ते का काढ़ा बना के क्या करेगा बेटा, कहाँ लगाएगा मतलब कहाँ पिएगा? वो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है बेटा। क्या करूँ वैसे तो किसी की बुराई करनी नहीं चाहिए, और वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस गोवर्धन। मजा नहीं आया खाने में, डोसा भी फीका था, सांभर भी खराब था और मेरे लड़कों को पूरी चाट भी पसंद नहीं आई। तो 4 out of 10 मैं रिकमेंड नहीं करूँगा यहाँ पे आप लोगों को। गाइज मैं सोच के आया था बहुत बड़ा कनक गार्डन होगा, ये तो छोटा सा एरिया निकला, मतलब ये रीजन से ये 3 से 4 acres में बसा हुआ है। ये बहुत ही अच्छा गार्डन लग रहा है। अरे यहाँ पे भंडारा चल रहा है भाई, वो देखो बोली। यहाँ पे एक गाने की शूटिंग हुई है, राहुल हमें बता रहा है बेटा मूवी कोयल सी तेरी बोली। कोयल से भी तेरी बोली, हाँ ये अच्छा लग रहा है।
लोग यहाँ पे बैठ करके ब्रेकफास्ट लंच और डिनर भी करते हैं। क्या हो गया? राहुल हमें कुछ बता रहा है अभी इस कनक गार्डन के बारे में। हाँ राहुल बताओ। ये राजा की जो सबसे छोटी वाइफ थी कनक नाम था, जो राजा के लिए सबसे ज़्यादा खास थी, जिसका जो राजा से बहुत ही प्रिय थी, यानी दयालु भी थी और वो काफ़ी अच्छी भी थी, खूबसूरत भी, इसलिए राजा ने उसी के लिए स्पेशल ये बनवाया था, जिसका नाम रखा था कनक गार्डन। कनक गार्डन उसी के लिए था स्पेशल, कनक महल के लिए। कनक गार्डन के अंदर एक छोटी सी शॉप भी है, यहाँ पे आप जूते चप्पल लेडीज से रिलेटेड चूड़ियाँ ये सारे सामान ले सकते हैं। आप देख सकते हैं लोग यहाँ पे फोटो शूट भी कर रहे हैं और खाना पीना खा रहे हैं। बहुत अच्छी जगह है ये इन एक्टिविटीज़ के लिए। आप कनक गार्डन का पूरा व्यू देख रहे हैं वाइड एंगल कैमरे से। ये दोनों काफ़ी बदमाशी करते हुए कनक गार्डन में, ये पहाड़ी बिहारी डांस करते हुए। तो ये कनक गार्डन चारों एंगल से दिखा रहे हैं, हर एक कोने पे जा जा करके, और बीच में ये चमन जो है बकवासबाजी किया जा रहा है, इसको अगले बार से अपने वीडियो में नहीं लेके आने वाला मैं। ये हर बार मेरी हर एक वीडियो को ख़राब करता है। माता जी पानी को साफ करते हुए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं लोग यहाँ पे कनक गार्डन को साफ करते हुए, ताकि विजिटर्स यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जाएं और गार्डन की खूबसूरती का मजा उठा सकें। हेलो एवरीवन, अभी हम लोग होटल आ चुके हैं और सर्दी इतनी है जिसका कोई हिसाब नहीं है जयपुर में। तो कनक गार्डन का आज का हमारा टूर कंप्लीट हुआ। कि कल हम लोग जल महल की पूरी एक सीरीज में वीडियो बनाएंगे 10 मिनट की, जिसमें हम जल महल के जाते वक्त और आते वक्त का टाइम टेकन आपको बताएंगे, कितना टाइम लगता है जाने में और आने में। तो जल महल की बातें कल की कल, तो आज हमारा कनक गार्डन का टूर कंप्लीट हुआ।